26वां अध्याय। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूं। विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है, सो मैं विनती करता हूं, धीरज से मेरी सुन ले। जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था, ये सब यहूदी जानते हैं। वे यदि गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहां ये बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यीशु की निंदा करवाता था। यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं महायाचकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे कहते हुए ये शब्द सुना कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिलाश पाएं। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़कर मार डालने का यत्न करते थे, सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्य वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी, जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है, और मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई है। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्य वक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू प्रतीति करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना ये है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। तब राजा और हाकिम और बिरनी के और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता
जो मृत्यु या बंधन के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि ये मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था।